अगले महीने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आ रही है। दोनों टीमों के बीच 3-3 मैचों की T20 और वनडे सीरीज खेली जा रही है। इन दोनों सीरीज के लिए गुरुवार को टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। BCCI की सिलेक्शन कमेटी के चीफ सिलेक्टर इसके बाद से फैंस के निशाने पर आ गए। भारतीय क्रिकेट फैंस ने MSK प्रसाद को जमकर खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, उन्हें भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे खराब चीफ सिलेक्टर भी करार दे दिया। वनडे और T20 टीम में धोनी का नाम नहीं है और फैंस इससे काफी भड़क गए हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत को खराब फॉर्म के बावजूद बार बार मौका दिए जाने से भी फैंस नाराज हैं। बता दें आपको कि विराट कोहली T20 सीरीज में वापस आ चुके हैं और रोहित शर्मा ने भी आराम नहीं लिया है। सिर्फ शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें दोनों स्क्वाड में शामिल किया गया है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी का एक अलग पहचान उनकी बनी हुई है, उस हिसाब से उन्हें टीम में वापस लाना एक अलग तरीके का चैलेंज था। लेकिन MSK प्रसाद और उनकी टीम ने धोनी पर अब भरोसा नहीं जताया। उन्होंने पहले भी कहा है कि वो धोनी से परे सोच रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत को लगातार मौका दिया जाना ये कहीं ना कहीं सही नहीं। अब ये देखना होगा कि MSK प्रसाद के खिलाफ दादा क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि वैसे भी MSK प्रसाद की कुर्सी फिलहाल खतरे में बनी हुई है। अब BCCI क्या धोनी को बाहर करने को लेकर MSK प्रसाद से सवाल करेगी, ये भी बड़ी बात होने वाली है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।